हेलो फ्रेंड्स, स्टार गौरव एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं, जो 2020 के एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आज मैं आपको यूनिट 8 के इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊँगा, जिसमें से आपके कुल 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। यूनिट 8 का नाम है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। कुल अंक 5 नंबर की यूनिट है यह। एक प्रश्न आएगा 6 नंबर का, एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का। तो एक नंबर वाले प्रश्न जैसे ही सब चैप्टर ख़त्म होंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के, उसके बाद मैं एक पूरा वीडियो बना दूँगा इन OT का, ठीक है? आप उसको याद कर लीजिएगा, उससे OT बाहर नहीं जाएगी, ठीक है? अब अंक 4 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। अंक 4 के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं प्रश्नों पर टिक लगवाता हूँ। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि मैं प्रश्नों पर टिक लगवाता हूँ। अगर एक भी प्रश्न टिक लगाया हुआ छूट गया आपसे, तो क्या होगा आप जानते हो, पेपर में छूट जाएगा, वही भी प्रश्न आप याद नहीं कर पाओगे, तो क्या होगा, 4 नंबर कट हो जाएंगे। इसीलिए आपसे भाइयों गुजारिश है कि वीडियो पूरा देखा करें, कम से कम पढ़ रहे हो तो 3-4 मिनट तो दे दो, ठीक है कि नहीं? तो आओ स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक तत्वों में अंतर लिखिए। यह प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैं इसकी क्या कहूँ, इस प्रश्न की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है? लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट में अंतर लिखिए। यह भी प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसी के मुकाबले में यह भी प्रश्न है, ठीक है? तीसरा प्रश्न है संक्रमण तत्व क्या है। संक्रमण तत्व के कोई 4 अविलक्षणिक गुण लिखिए। कैसे भी आ सकता है, संक्रमण तत्व या धातु है। संक्रमण धातुएँ क्या है, संक्रमण धातुओं के कोई 4 अब लाक्षणिक गुण आ जाए, या गुण आ जाए, कुछ भी आ जाए, या विशेषता आ जाए, तो आपको यही प्रश्न लिखना है। चाहे विशेषता आ जाए, चाहे गुण आ जाए, चाहे संक्रमण धातु क्या है, संक्रमण धातुओं की 4 विशेषता लिखिए, तो भी प्रश्न आपको यही लिखना है, इसका उत्तर लिखना है। जिस जो आप इसका उत्तर याद करोगे वही प्रश्न आपको लिखना है, ठीक है? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, टिक करवा देता हूँ। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, आप इन्हें याद कर सकते हो, ठीक है? पांचवा प्रश्न है पायरोलुइसाइट आइसक KMnO4 से बनाने की विधि समीकरण सहित लिखिए। यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न को अच्छे से याद कीजिए। लेंथनाइट संकुचन से आप क्या समझते हो, लेंथनाइट संकुचन तत्व का तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है? निम्न पर टिप्पणी लिखिए, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं, क्यों, ठीक है? अथवा में ऐसे भी आ सकता है क्यूप्रस रंगीन है जबकि क्यूप्रिक रंगीन ही है, क्यों? जब ऊपर वाला प्रश्न आता है तब भी आपको वही लिख के आना है, नीचे वाला प्रश्न आता है तब भी आपको वही लिख के आना है, ठीक है? तो पॉइंट 2 है संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करती हैं, क्यों? यह दोनों ही अच्छे प्रश्न हैं। आप पहले तो मैं बता रहा हूँ इनको अच्छे से याद कर लीजिए, दोनों प्रश्नों को, इनमें से एक ना एक प्रश्न ज़रूर मिल जाएगा पक्का, ठीक है? यह प्रश्न और यह प्रश्न, तीन प्रश्न अच्छे से याद कर लीजिए, आपको एक प्रश्न अच्छे से मिल जाएगा। पहले आप इन 4 को याद करिए, उसके बाद इसको याद करिए। पहले आप इन दोनों को याद करिए, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, और फिर आपकी मर्जी हो जौन से, ठीक है? धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।